नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आज है। आज यूपी कबड्डी लीग जो नोएडा में खेली जा रही है उसके लीग मैच का आखिरी लीग मैच था और आज ये तय हुआ कि मुजफ्फरनगर की अपनी टीम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी टीम अब यूपी कबड्डी लीग के सेमीफाइनल में खेलेगी। सांस थामने वाला मैच था और कई बार समर्थक निराश भी दिखे, लेकिन आखिर में जो खिलाड़ियों का दम था उसे देख के लोग पूरे स्टेडियम में काशी काशी के नारे यहाँ गूंजने लगे। तो टीम के कोच हमारे साथ में, कोच साहब शुरुआत जीत से ही, फिर चार मैच लगातार आप लोगों ने हारे और फिर कम बैक किया टीम ने, क्या कहना चाहिए? शुरू में जो हमारी क्या नाम जीत, उससे मनोबल बहुत हाई था, फिर थोड़ा सा बीच में गड़बड़ा गया मामला, फिर सबको मोटिवेशन करा। संजीव बालियान है, अर्जुन अवाड़ी, उनके राहुल चौधरी है और ये जगराज सिंह है, इनके सबसे क्या नाम बातें करी और बात करके क्या नाम टीम को थोड़ा मोटिवेशन करा और ओनर साहब से भी बैठ कर बात करी तो टीम को मोटिवेशन मिला। फिर हमने जीत चार मैच लगातार फिर हम जीते तो उस समय काफ़ी लाभ मिला। तो आज बिल्कुल करो या मरो की स्थिति थी। आज बच्चों से कह दिया था कि ये हमारा लीग का यही फर्स्ट मैच है और यही लास्ट मैच है और ये समझ लो आज हमारा क्वार्टर फाइनल था। ये जो क्वार्टर फाइनल से ऊपर जाना था, आज हमारे बच्चों का मनोबल हाई था और आज क्या नाम हम सुबह ही मंदिर में गए, वहाँ भगवान का आशीर्वाद दिया, बजरंग बली का, बजरंग बली भी हमारे साथ थे। कुलवंत बालियान जो टीम ओनर है वो भी हमारे साथ में है, तो कुलवंत भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और प्लस बच्चों ने और कोच साहब ने, हमारे जो जगराज जी हैं, हमारे अरुण कोच साहब हैं, हमारे संजीव बालियान जी हैं, राहुल चौधरी जी हैं, इनकी पूरे निरीक्षण में टीमों ने पूरा बढ़िया मेहनत करी है और कहीं ना कहीं नतीजे तो पहले ही पता थे कि हम बहुत आगे तक खेलेंगे। बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ पर बाद में इन्होंने कवर किया और अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन कर दिया। और हमारा ये छोटा भाई सुशांत, जिसका आज परफॉर्मेंस आप सुपर डुपर हिट रहा, मतलब कि आज की जो जीत जो है, मैं कोच साहब से पूछना चाहूँगा कि सुशांत के ने हमें दी है और सभी प्लेयरों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, सभी का जोरदार प्रदर्शन रहा, हमारे हरिंदर का, साहुल का, राठी जी का और हमारे उदय डबास का, सबका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने क्षेत्रों में विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी टीम फाइनल भी खेलेगी और जीतेगी भी। तो सुशांत के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कोच साहब? सुशांत की परफॉर्मेंस के बारे में बहुत खुश हूँ, पूरी टीम खुश है। जगराज साहब है हमारे, ये क्या नाम इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी है, हमारे स्पोर्ट अफसर रहे, हमारे गुरु हैं, उन्होंने भी शिक्षा दी इस लड़के को जो इसमें कमी आ रही थी और ये उस बात में पूरा खरा उतरा। इस पूरी निगाह पूरी लीग की, पूरे हिंदुस्तान की इस लड़के के पास है, जो बहुत अच्छा खेला, पूरी टीम ने मिल के एकदम एकजुट होकर और वो क्या नाम वो करा पूरा, तो इसी से हमारी जीत हुई। पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं और कबड्डी के क्षेत्र का बड़ा चेहरा है जगराज सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आज की टीम की परफॉर्मेंस को लेकर? टीम इस बच्चे के नाम बम बोले, बम बोले। और मैं आपको मैं फिर विश्वास दिला रहा हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मैं कर भी रहा हूं, ये जो करिश्मा हो रहा है ना, ये भगवान की हम पे कृपा है, कृपा के बगैर कुछ नहीं मिलता, हम उसी से मांग रहे, रोज मांग रहे और हमें देंगे क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे हमारी टीम धीरे धीरे, मतलब धीरे थोड़ा स्लो सही, लेकिन धीरे धीरे सही स्थिति में आ गई। अब इनको दो ही तीन ही मैच तो खेलने, ये अब इनको इतना, मतलब मैं ये मानता हूँ कि इतना खेल में रम गई है कि ये निश्चित कुछ करिश्मा अच्छा करके दिखाएंगे। और इस बच्चे का जो करिश्मा है वो तो है ही, लेकिन और भी इसके सहयोग के लिए जो भी हैं, बहुत अच्छा सबका सहयोग रहा, कप्तान का भी बहुत अच्छा रहा, उसके बाद में जो है वो हमारा साहिल है, क्या नाम है, उस लड़के का भी बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा। चौधरी साहब, मैं ये कह सकता हूँ आपको कि ये टीम कुछ करिश्मा करके ही रहेगी क्योंकि हम भगवान के नाम लेके ही मेहनत करते हैं और ईश्वर जो है साथ देता है, ये हमारा विश्वास। सुशांत क्या कहना चाहोगे, आज की जीत के तो हीरो है आप? बहुत अच्छा लग रहा है जी, हम सेमीफाइनल में पहुँचे हैं, अब फाइनल भी खेलेंगे और जीतेंगे। ठीक है, तो कुलदीप भाई और सॉरी कुलवंत भाई, एक मौका ऐसा भी आया था कि चार मैच आप लोगों ने लगातार हारे और हमने यहाँ जब जगराज जी ने क्लास लगाई तो कोच साहब को भी और खिलाड़ियों को भी आंखों में हमने आंसू देखे, वहीं से कम बैक की रहा, वहीं से खुली। हाँ जी, ये कम बैक टीम का रहा है और बहुत अच्छा टीम ने कम बैक करा है, मतलब कि जो, मतलब कि हमारे कोच हैं, हमारे प्लेयर हैं, ये सब भावनात्मक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
तो जब प्लेयरों ने देखा कि हमारे साथ में टीम ओनर और हमारे जो साथ में सहयोगी जो कर रहे हैं हमारे कोच साहब जो खुद उन्होंने वो भावुक हो गए थे, तो उन्होंने उनको उस चीज़ का एक रिवर्ट दिया है कि हाँ भाई हम में दम है और आपकी आशाओं पे हम खरा उतरेंगे। तो बड़ी खबर है और उम्मीद है कि अब मुजफ्फरनगर की पश्चिम उत्तर प्रदेश की अपनी टीम काशी किंग सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल भी जीत के पश्चिम उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाएगी। हर हर महादेव।